वेलकम बैक टू माय चैनल जय हो बाबा की। मैं विशाल और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं ऑक्टोपैड की स्केल कैसे मैच करते हैं। ऑक्टोपैड में जो भी पैचेस रखते हैं उस पैचेस में आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट की पिच कैसे लेवल पिच कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे स्केल मैच करते हैं, तो सभी डिटेल्स में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको ऑक्टोपैड की स्केल मैच करने के लिए लगेगा एक हेडफोन स्प्लिटर, एक एंड्रॉइड मोबाइल और आपके ऑक्टोपैड को आप ट्यून कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं फटाफट से ऑक्टोपैड की स्क्रीन पे, देखते हैं कैसे ऑक्टोपैड को ट्यून करते हैं। तो ऑक्टोपैड ट्यून करने से पहले आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको ऑक्टोपैड पैच एडिटिंग की वीडियो चाहिए होंगी तो यहाँ पे आई बटन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और हमारी ऑक्टोपैड वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उस तरह के पैचेस बना सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट से ऑक्टोपैड की स्क्रीन पे, कैसे ऑक्टोपैड ट्यून करते हैं, ऑक्टोपैड की पिच कैसे लेवल कैसे मैच करते हैं। तो चलते हैं ऑक्टोपैड की स्क्रीन पे। आपको रिपीट से बताता हूँ कि आपको ऑक्टोपैड ट्यून करने के लिए ये डिवाइस लगेंगे आपको, एक तो ऑक्टोपैड सबसे पहले, सेकंड वन हेडफोन स्पीकर और थर्ड वन एंड्रॉइड मोबाइल आप यूज कर सकते हैं इसकी। यह थ्री डिवाइस यूज करके आप आपके ऑक्टोपैड को विद इन वन मिनट विद इन फ्रैक्शन आप ट्यून कर सकते हैं। आपके ऑक्टोपैड के पैचेस के सभी इंस्ट्रूमेंट आप ट्यून कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑक्टोपैड के स्क्रीन पे। तो चलिए फिर ऑक्टोपैड ट्यून कैसे करते देखते हैं। तो आज हमें लगने वाला है ऑक्टोपैड ट्यून करने के लिए जैक टू मोबाइल वाला पिन, इसे जैक कहते हैं और ये मोबाइल को अटैच होगा और ये जैक वाला जाएगा ऑक्टोपैड को। सेकंड वन हमें लगेगा हेडफोन स्प्लिटर, हेडफोन स्प्लिटर वाला ये भाग मोबाइल में लगेगा और इसमें लगेगा हमारा जैक टू मोबाइल वाला पिन, इस तरह फिक्स हो जाएगा इसमें, इस तरह से आपको लगा लेना है। और ये जैक कहाँ पे लगेगा, एक तो हेडफोन वाले फोन्स में, हेडफोन में आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडफोन वाले में आप लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एल मोनो आर मोनो करके उसमें भी लगा सकते हैं, मैं अभी एल मोनो में लगाने वाला हूं। तो देखिये यहाँ पे मैंने एल मोनो में लगा दिया, फिर ये हेडफोन स्प्लिटर वाला केबल मोबाइल को अटैच कर लेना है और आप ऑक्टोपैड अभी ट्यून कर सकते हैं। तो ऑक्टोपैड ट्यून करने के लिए इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा भी ट्यूनर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए डीए ट्यूनर करके भी मैंने यूज किया है, सेकंड वर्ड ट्यूनर पिच करके भी है, एन ट्रैक ट्यूनर, मतलब आप कौन सा भी ट्यूनर यूज करके आपके ऑक्टोपैड को ट्यून कर सकते है। आपके जो 8 ऑक्टोपैड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी 8 पैड्स है, जो भी ऑक्टोपैड्स है उसको आप ट्यून कर सकते हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कौन सा भी एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेना है, सबसे पहले आपको पिच चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझो आपको ए बैंक में का इंस्ट्रूमेंट है उसे आपको ट्यून करना है, तो समझो लेयर का बटन दबाना है, ऐसा स्ट्राइक कर लेना, समझो फर्स्ट वन में हम देखेंगे इसका साउंड बंद होने की वजह से पिच जीरो है। तो इस तरह से आप पिच चेक कर सकते, देखिए सी करके इसका जिस तरह से आप स्ट्राइक करेंगे उस तरह से टोन आएंगे, इसका साउंड ऑफ होने की वजह से पिच नहीं बता रहा है, इसका एफ है, इसका सी, इसका साउंड ऑफ फोन, इसका एफ है, इसका भी सी है। जहां पे साउंड ऑफ रहेगा वहां पे स्केल बताएगा नहीं, लेकिन जहां पे साउंड स्टार्ट रहेगा चालू रहेगा देखिए वहां पे पिच बताएगा। तो इस तरह से आप कौन से भी एप्लीकेशन में आपके ऑक्टोपैड की स्केल देख सकते हैं, आपके पैड्स की स्केल देख सकते हैं। और समझो आपको यह मैंने यूज करके दिखाया एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन हम देखेंगे। अब हमने दूसरा वाला एप्लीकेशन ओपन करके देखा, देखिए यहाँ पे बी3 बता रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे उसको ट्यून करने के लिए आपको ये सेट करना पड़ेगा। समझो आपको मुझे G3 में लगाना है, G में लगाना है तो यहाँ पे मैंने G सिलेक्ट किया है। यहाँ पे B में लगाना है तो ये B में रहेगा तो बराबर बताएगा। देखिए कम ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे इसका जो काटा है थोड़ा वेरिएबल रहेगा, आगे पीछे हो जाएगा, कम रहा ज्यादा रहा तो। डी में लगाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी में थोड़ा ज्यादा लगा हुआ है तो मुझे ट्यून करना पड़ेगा, मुझे ट्यून करना पड़ेगा। समझो पिच आगे पीछे करके हम ट्यून कर सकते, लेकिन मुझे कुछ भी ट्यून करने का नहीं है। समझो अपन नेक्स्ट बार पैच देखेंगे। देखिए जी स्केल में लगाना है तो यहाँ पे जी में मैं क्लिक करूंगा, देखिए जी में परफेक्टली लगा हुआ है। समझो मुझे डी में लगाना है तो ये डी में लगा हुआ है या नहीं बताएगा। देखिए इसका जो काटा है वो आगे पीछे कर रहा है, चलिए नेक्स्ट वन आपको यूज करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन इसमें भी देख सकते हैं आप, वन मिनट ये थोड़ा एप्लीकेशन काम का नहीं। इसमें थोड़ा कैसा रहता है आप समझो, D3 सिलेक्ट करेंगे तो ये D3 के हिसाब से ही आपको बताएगा कि ये वर्क स्केल में है कि नहीं है, लेकिन आपको G में लगाना तो आपको G सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी बताए हुए G, D, B, 4 वो आप यूज करके देख सकते हैं और उसी स्केल में आप मैच कर सकते हैं। मुझे कौन से भी स्केल में मैच करने का नहीं है तो इसके लिए मैं मैच करके नहीं दिखाऊंगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने मैच करके दिखा हुआ है तो आई बटन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप आपके ऑक्टोपैड के पिच चेक कर सकते हैं और उस पेस्ट में आप यहाँ पे पिच चेंज करके आगे पीछे करके उसकी पिच मैच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह ट्रिक थी, यह ट्रिक यूज करके आप ऑक्टोपैड को विद इन 1 मिनट विद इन फ्रैक्शन ट्यून कर सकते हैं, कितना भी साउंड रहे कितना भी नॉइज रहे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पैच एडिटिंग की वीडियो चाहिए होंगी तो आई बटन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और हमारी वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें भी अवेलेबल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए पैच एडिटिंग के साथ, नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।